अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों, जैसा कि टाइटल से पता चल रहा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफिनेशन पर, कि एफिनेशन क्या होती है और हमारे किस तरह काम आती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे पेज लेआउट की। पेज लेआउट टैब के अंदर हमने बात की थी बहुत सारे टॉपिक्स पर। तो हमने जब बात कर रहे थे ब्रेक्स की, तो हमने कहा था ब्रेक्स तीन किस्म के होते हैं, पेज ब्रेक, सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक पर मैं बात कर चुका हूँ, और तीसरी टाइप थी एफिनेशन। एफिनेशन जो आज का हमारा टॉपिक है, जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेआउट टैब में यहाँ मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको फेस से पता चल रहा है कि इसमें एक वर्ड है वो पूरा एक लाइन पर कंप्लीट नहीं आ रहा, तो उसके आगे डैश लगाकर निचली लाइन पर बाकी उसके अल्फाज या सिलेबस आ रही हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एफिनेशन की मदद से हम एक लाइन को किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले एफिनेशन की जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो एफिनेशन होती क्या है। एफिनेशन अमूमन रिप्रेजेंट की जाती है हाइफ़न्स की मदद से। हाइफ़न्स क्या होते हैं, डैश होते हैं या पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। इनकी मदद से हम इस तरह कर सकते हैं कि वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं या किसी एक सिंगल वर्ड के सिलेबस को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज एक वर्ड है, उसके दरमियान में कहीं सिलेबल हाइफ़न लगा हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका आधा पार्ट एक लाइन पर है जबकि दूसरा पार्ट दूसरी लाइन पर है। ठीक है, तो एफिनेशन का मकसद यही होता है कि अगर हमारा कोई एक वर्ड पूरी लाइन पर नहीं आ रहा, तो हम इस तरह करें कि बजाय उसको कि पूरी नई लाइन पर लेकर जाने के, उसका आधा पार्ट एक पॉइंट लाइन पर ले आएँ, आधा दूसरी पर ले आएँ। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें इस तरह होता है कि एफिनेशन बंद हुई पड़ी होती है, उसमें पूरा जो हमारा वर्ड है वो एक लाइन पर हो रहा होता है। ठीक है, तो एफिनेशन में क्या होता है, एफिनेशन में इस तरह होता है कि अगर मतलब सपोज एक पूरा वर्ड इस एक लाइन के ऊपर नहीं आ रहा, तो इस तरह करेंगे कि आधा आधा वर्ड उसके ऊपर आ जाएगा, उसके बाद डैश आ जाएगी और बकाया वर्ड दूसरी लाइन पर चला जाएगा। यानी तो ये चीज़ है एफिनेशन। ठीक है, इस तरीके से हम एक पूरे एक एक वर्ड को ब्रेक करके दो लाइनों पर ले आते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है कि हम अपनी डॉक्यूमेंट को मज़ीद जस्टिफाई किस्म के या खूबसूरत बनाने के लिए अमूमन यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरीके से हम एफिनेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, और अपने वर्ड्स को एफिनेटेड फॉर्मेट लेकर आते हैं। ठीक है, और आया ये यूज़ करना फिजिबल है या नहीं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आया ये एफिनेशन हर जगह होगी तो बड़ी अजीब सी डॉक्यूमेंट लगेगी, तो ये टोटली यूज़र पर राइटर पर होता है कि वो एफिनेशन कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बड़े फीचर देता है जिसकी मदद से हम अपनी एफिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बगैर कोई टाइम जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी एक डॉक्यूमेंट ओपन हुई पड़ी है। ठीक है, तो इसके अंदर एफिनेशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह कर लेते हैं कि आप देखें पूरे के पूरे वर्ड्स एक लाइन लाइनों के ऊपर हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड या इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, ये हेडक्वार्टर नई लाइन पर आया हुआ है, इस तरीके से बहुत सारे जो हमारे वर्ड्स हैं वो तो पूरे के पूरे लाइन पर हैं। किसी भी के आगे आपको इस तरह की हाइफ़न या एफिनेशन या पंक्चुएशन मार्क नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि हमारी डॉक्यूमेंट एफिनेट नहीं हुई पड़ी। तो हम कंफर्म कर लेते हैं, तो हम लेआउट में जाएंगे, यहाँ एफिनेशन का टैब होगा, यहाँ देखें नन हुआ पड़ा है। तो दो तरीके हैं एफिनेशन करने के, एक ऑटोमेटिक है और एक मैनुअल। ठीक है, तो हम पहले इस तरह कर लेते हैं, ऑटोमेटिक को चेक कर लेते हैं। तो एफिनेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिक को क्लिक करूँगा, तो ये देखें हेडक्वार्टर का हेडक्वार और टर नीचे आ गया, यानी एफिनेशन का मार्क्स के साथ। तो यही चीज़ एफिनेशन है, हेडक्वार्टर यहाँ भी हो गया। ठीक है, इसके बाद इशू हो गया या इस तरीके से एफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली एफिनेशन है। कुछ जगह पर बुरी भी लग रही है, जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इस तरीके से एफिनेशन कभी कभार बड़ी अकवर्ड सी लग रही होती है। तो हम चाहते हैं कि इसको मैन्युअली कंट्रोल करें, तो इसको मैन्युअली कंट्रोल करने का एक तरीका ये है कि हम इस तरह करेंगे कि एफिनेशन के अंदर जाएँ और इसको नन करें, यानी एफिनेशन बिल्कुल ख़त्म करें, उसके बाद हम इसको मैनुअल पर करें। मैनुअल करेंगे तो हमें जहाँ से हमने डॉक्यूमेंट को करना होगा वहाँ से शुरू हो जाएगा, ये हमसे बार बार पता कर गया कि कौन सी डॉक्यूमेंट को कहाँ से हमने एफिनेट करना है। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि फिलहाल इसे कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, और डॉक्यूमेंट को शुरू से एफिनेट करता हूँ। ठीक है, तो एफिनेशन पर जाता हूँ और मैनुअल पर किया, सबसे पहले आ गया हेडक्वार्टर। ठीक है, तो हेडक्वार्टर को मेरे पास तीन ऑप्शन होंगे, येस, नो और कैंसिल, यानी आया आप इस तरीके से एफिनेट इसको करना चाहते हैं या नहीं। तो मैं येस करूँगा, तो ये हेडक्वार्टर यहाँ देखें ये खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। इसके बाद आ गया हमारे पास रिव्यू। ठीक है, मैं रिव्यू देखें, रिव्यू बड़ा अकवर्ड सा लग रहा है। ठीक है, ये देखें इस टेक्स्ट को आप देखें। ठीक है, तो रिव्यू मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद दोबारा हेडक्वार्टर्स पर आ गया। ठीक है, तो मैं इस तरह कर लेता हूँ, हेडक्वार्टर्स को डेफिनेट कर लेता हूँ। इसके बाद इशू आ गया, इशू थोड़ा अकवर्ड सा लग रहा है, मैं इसको नो कर देता हूँ।
इसी तरीके से सीकिंग के ऊपर आ गया, तो मैं इसको भी नो कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद द सिटी एज एम्पल ऑफिस स्पेस, एम्पल को भी मैं नो कर देता हूँ। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी है, उसको मैं यस कर देता हूँ, ठीक है। टेक्नोलॉजी को मैं एफिनेट कर लेता हूँ। उसके बाद मेरी लोकेशन है, उसको भी मैं एफिनेट कर लेता हूँ। मुझे वैसे एफिनेट नहीं करना चाहिए था, पर मैंने लोकेशन को कर दिया, चलें ठीक है, हो गया। तो इस तरीके से मैं अपनी चीज़ों को कर सकता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन को भी मैं एफिनेट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ी बहुत कर भी सकता हूँ कि ये नहीं भाई एफिनेशन यहाँ से करो, तो ये वहाँ से उस जगह पर नहीं कर रहा था, बल्कि उसने नई लाइन पर ले आया। उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन आ गया कि भाई प्रॉक्सिमिटी को करना चाहते हैं, तो प्रॉक्सिमिटी बड़ा अजीब से लग रहा है, प्रॉक्सिम और ईटी थोड़ा सा अजीब से लग रहा है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। तो इस तरीके से इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिज़नेस, ठीक है। तो मैं इस तरह कर लेता हूँ कि बिज़नेस को कर लेता हूँ बिजीनेस, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे एरर आया था कि आपके तमाम कंप्लीट हो गए। तो इस तरीके से हमने अपने डॉक्यूमेंट को एफिनेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा है एफिनेशन हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा हम इस तरह कर लेते हैं कि एफिनेशन के और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम एफिनेशन के ऑप्शन में जाकर यहाँ से ऑटोमेटिकली एफिनेट डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली कर दो या नहीं, ये इस तरीके से ऑप्शन है। उसके बाद लिमिट कंजंक्टिव रेफरेंस टू, कितनी इकट्ठी का रेफरेंस कर सकते हैं या क्या कुछ कर सकते हैं, तो उसका भी ऑप्शन है, ये भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारी सेटिंग्स इसकी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारे रेफरेंस सेलेक्ट करने का, ठीक है। तो ये अब मैं चाहता हूँ कि हम ये जो हमने एफिनेशन किया, मैं इसको चाहता हूँ कि इस एफिनेशन को रिमूव करना है। तो एफिनेशन को रिमूव करने का तरीका ये है कि यहाँ जाकर पहले ऑटोमेटिक कर दी और यहाँ आके नो कर दें, ठीक है। तो ये जो मैनुअल की होगी इसके अंदर रिमूव नहीं होगी। तो मैनुअल का रिमूव करने का यही होगा कि अनडू करके हम अपनी एफिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी एफिनेशन किया और एफिनेशन रिमूव कर ली है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था हमारा एफिनेशन का। इसके अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम अपने एफिनेशन यूज़ करके जो हमारे लेंथी वर्ड्स हैं उनको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। उनके सिलेबस को डिफरेंट दो लाइनों पर लेकर या अलग अलग कर सकते हैं, तो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों एक छोटा सा कंसेप्ट था एफिनेशन का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लाइन नंबर्स पर थोड़ी सी बात करेंगे कि लाइन नंबर्स हमारे किस तरह काम करते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।